अरे फाजी भैया, शर्माने की बात है, अब तो शादी हो गई है। क्या भैया? भैया जॉगिंग करके फाजी भैया आए हैं। बेवकूफ लड़की, भैया तो मत कहो, निकाह हुआ है तुम्हारा उसके साथ। तो इससे मेरा क्या कसूर है? पहले भाई और अब अब्बा का जवाई, आप ही लोगों ने बनाया। नमस्कार, ऑल्टरनेट मीडिया में आपका फिर से स्वागत है। कजन मैरिजेस बहुत कॉमन है जब हम बात करते हैं आसमानी समुदाय की। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बायोलॉजिकल, जिसके बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं, फनी फनी वीडियोस भी बनाए जाते हैं, बचपन में भैया बड़े होके सैया। सारी लड़कियां मेरा मजाक उड़ा रही है। किस बात पर? कि पहले जिस मुंह से कहती थी भैया भैया, अब उस मुंह से कहोगी सैया सैया। अरे यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स। पर इसके जो आर्टिकुलेट अगर हम आज करेंगे इन पॉइंट्स को, तो हम उन आसमानी समुदाय की कम्युनिटी, मतलब मुस्लिम समुदाय की कम्युनिटी में इसके क्या क्या, जो वहाँ के लोग हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, मतलब किस तरीके से रिलेशन इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है खान साहब, जो कि पख्तून है और अभी करंटली यूरोप में बेस्ड हैं। लेक्चरर, a very educated almuso who's based in India, he's an ex-Muslim, and Dr. Armani from UK. तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में। थैंक यू गायत्री जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं स्टार्ट करना चाहूंगी खान सर से, कि खान सर आपकी तो फैमिली में, आपने जैसे पहले भी डिस्कस किया है मेरे साथ में, कि फैमिली में कजन मैरिजेस काफी हुई है, तो उसका आपकी फैमिली में किसकी कजन मैरिज हुई, और उनके, आपने कुछ फैमिली में बताया कि बच्चे कुछ ऐसे हुए जिनका जेनेटिक मेकअप ठीक नहीं था। जी जी, हमारे पख्तूनों में बहुत ज्यादा वो होती है क्लोज मैरिजेस, कजन मैरिजेस, मामू मैरिजेस, मामू की बेटी है, ये सारे मैरिजेस बहुत ज्यादा हुई है। तो व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप इन माय फैमिली, मुझे अपने रिलेटिव के घर जाना और फिर जाकर वहाँ जाकर एक एम्बेरसमेंट सी फील होती थी हमेशा। कभी मैं खुल के किसी से बात नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पता था कि माय वाइफ कुड बी एनीवन, कहीं से भी हो सकती है। तो ग्रोइंग अप इट्स सच अ फैमिली, सच काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड। फिर मैंने बड़े करीब मैरिजेस भी देखे। हमारे पठानों में बहुत ज़्यादा ये होता है कि फैमिली को बेटी फैमिली में ही दे दो, जिस तरह भाई बहन होंगे वो अपने अपने बच्चों को आपस में एक दूसरे को दे देंगे, रादर देन किसी दूर के रिश्ते किए जाएं। तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी देख चुका हूँ। अभी भी मैं अपनी मिसेस से पूछ रहा था कि आपके मदर फादर शादी से पहले क्या थे, तो उनसे भी मुझे पहले भी पता था कि वो भी शायद मामू के कोई कुछ मामू के एरिया के कजन से जो भी थे। ओके, और मेरी सास भी यही सोचती थी शादी से पहले, उनको एज एक ऐसे रिश्ते से देखती थी कि हो ही नहीं सकता कि मेरी इस बंदे के साथ फ्यूचर में शादी हो जाए। ओके, तो और फिर बाद में हो जाता है, बड़े तय कर देते हैं कि ओके तुम दोनों की शादी हो जाती है। इसके अलावा मेरी बहन की शादी कजन में हुई है, और उसका भी जो बड़ा बेटा है वो अब नॉर्मल है, और यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ मेरी वाइफ की एक फ्रेंड है, उनकी शादी भी कजन में ही हुई है और उनका भी बड़ा बेटा अब नॉर्मल है। तो जितना देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा ये क्लोज मैरिजेस में बच्चे अब नॉर्मल ही पैदा होते हैं। जी सर, जब आप एबनॉर्मलिटी की बात करें तो किस टाइप की एबनॉर्मलिटी आपने देखी है बच्चों में? यहाँ जो मैं कि यहाँ इस केस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो हमारे साथ एक पाकिस्तानी फैमिली रहती है, उसका बेटा ऐसा एबनॉर्मल है कि वो दिन रात दीवारों को मुक्के मारता रहता है। ओके, माँ अभी उस डिजीज को क्या बोलते हैं आई डोंट नो, लेकिन जब भी माँ या बाप या भाई बहन उसके करीब जाता है तो सबको मारता रहता है, चीखता रहता है
24 आवर्स केयर में होता है कि कोई उसकी देखभाल करे। और जो अपने बड़ी बहन का बेटा है वो भी टोटली अबनॉर्मल है, सही से चल भी नहीं पा रहा होता है, उसकी पाँव की हड्डियाँ भी या हाथ की हड्डियाँ भी मेरे ख्याल से टेढ़ी मेढ़ी थी जब व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप। सो ऑब्वियसली जब इतना क्लोज रिश्ता होता है तो यही सिचुएशन होती है। रिसेंटली एक और शादी हमारी फैमिली में हुई जो कि मैंने काफ़ी मना किया कि ऐसे नहीं करें। भाई बहन है, दोनों तरफ से भाई बहन है, ओके इस तरह मेरा भाई हो गया और दूसरे साइड से बहन हो गई, फिर हस्बैंड भी दोनों साइड से अक्रॉस है, अक्रॉस है मतलब भाई बहन ओके फिर भाई बहन अगेन, तो अक्रॉस फिर उसकी उनकी बच्चे आपस में शादी, तो बहुत इट वाज सुपर क्लोज रिलेशनशिप। तो सर जब हम जी जैसे कि आपने कहा बच्चों को बीमारियां हैं, तो मैं स्टार्ट करूं कि बचपन में, जैसे बचपन में जब हम बड़े होते हैं और फिर उसको हम अपना पार्टनर बनते हुए देखते हैं, क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ता है इसको, कैसे इमोशनल इफेक्ट क्या होगा? वेल मेरे ख्याल से वो तो उनको पता चलेगा जिन्होंने शादी अपने क्लोज रिलेटिव में की होगी। मैं तो शादी मेरी नहीं हुई क्लोज रिलेटिव में, तो जिस सर्कल में वो लोग रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, जिस सोसाइटी में वो लोग रहते हैं, उनको नहीं पता होता कि हम ये क्या कर रहे होते हैं, ओके अगर वो बाहर दुनिया में आके देख ले तो तब उनको अंदाजा हो जाएगा कि ये हम क्या कर रहे हैं, दिस इज टोटली रॉन्ग। जी गायत्री जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। मेरी बड़ी सिस्टर मेरी, उनकी शादी मेरे खाला के बेटे कजन से हुई जो उनसे एज में 15 साल बड़े थे। जरा हमारी मदर का विजन देखें, और वो सारा बचपन टिल शी वाज 18 उनको भाईजन भाईजन कहती रही है। और दूसरी शादी मेरे भाई की हुई चचा की तरफ, वो जो मेरी कजन थी वो 5 साल छोटी, मैंने खुद देखा कि सारा बचपन वो उनको भाईजन कह रही है। अब ये इंसेस्ट नहीं तो और क्या है मुझे बताएं? और सेक्सुअलिटी क्या डेवलप होनी, उन्होंने क्या अपनी मैरिटल नाइट या मैरिटल लाइफ एंजॉय करनी, वो तो आपने पकड़ के म्यूटिलेट कर दिया उनको और आगे की नस्ल भी तबाह की। जी खान भाई कंटिन्यू करें आप, नाइस टू सी यू ऑलमोस्ट जी, नाइस टू सी यू एज वेल जी अरमानी जी, प्लीज कंटिन्यू करें खान भाई। नहीं, मैं ये क्वेश्चन आप सभी के लिए थ्रो करना चाहूंगी कि बचपन में हम खेले, हमने टॉयज शेयर किए, हम मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग हैं आजकल, हमारे वॉशरूम्स भी पहले एक ही वॉशरूम होते थे जहां सब लोग यूज करते थे, बाथरूम और वॉशरूम, फिर हम प्यूबर्टी अटेन की, मैच्योर हुए, तो क्या ये थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है कि जिसके साथ, जिसको आपा बोला, जैसे होता है मुस्लिम समुदाय में आपा बोला या भाईजान बोला, फिर उसके साथ आप शादी कर रहे हैं, एक अचानक से रिपल्शन नहीं होती, एक झटका नहीं लगता है कि जिसको आपने भाई बहन समझा वो आगे चल के आपका लाइफ पार्टनर बनने वाला है? अरमानी सर आपसे स्टार्ट, टोटल म्यूटिलेशन आपकी साइकोलॉजी की, आपकी सेक्सुअलिटी की, टोटल म्यूटिलेशन। कभी इन्फैचुएशन हो भी सकती है, मैं ये नहीं कहता, देयर माइट बी सम इन्फैचुएशन एज वेल, पॉसिबिलिटी है उस चीज की, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, आप क्या कहते हैं अलमोसो जी इस बात पे? जी तो मैं भी वही सोच रहा हूँ, मुझे जो एग्जांपल ध्यान है कि हमारे दो कजिन्स थे जो सिस्टर के बच्चे थे, लड़का और लड़की, तो उनका मैरिज फिक्स हुआ था, तो हम लोगों को भी, वो भी हम सब साथ में ग्रो हुए थे, एक दूसरे को भाई और बहन कहते थे, तो फैमिली में भी एक तरह का आश्चर्य था कि ये किस तरह से कर दिया है, और उनके बीच में भी जिस तरह से हम भी उन्हें देखते थे, एक ग्रुप का जो फैमिलियर ग्रुप है उसका पार्ट देखते थे, अब उन्हें कुछ डिफरेंट तरीके से देखने में हमें ही अजीब हो रहा था, और फिर विद टाइम वो मैरिज एक्चुअली बन नहीं पाई, उसका काम हुआ नहीं, वो टूट गया वो रिश्ता, जो भी कारण से वो टूटा हो, पर पॉइंट बीइंग कि वो अलाउ करते हैं। और ये जो शिफ्ट आता है फिर कि आप किसी को पहले एक तरह से फैमिली तरह से देख रहे हैं, और बाद में फिर जो सेक्सुअलिटी का बात डॉक्टर अरमानी ने रेस किया कि जो रोमांटिक रिलेशनशिप होता है या जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, जो रिश्ते से बनाया जाता है या किसी और से लाके, जिसे आपसे
आपसे कुछ तरह का अट्रैक्शन हो या रिलेशनशिप लव हो एटसेट्रा, या आपसे वो इन्फैचुएटेड हो रोमांटिकली फिजिकली, पर अगर ये चीज पहले से ही हमें हमारे ध्यान में हो या फैमिली के ध्यान में हो कि ये जो फैमिली के बच्चे और फर्स्ट कजिन से जो दिख रहे हैं हमें आसपास, दीज कैन बी द पोटेंशियल कैंडिडेट. तो जो एक जो आपके जो डिजायर्स है जो डॉक्टर अरमानी ने बात किया वो एक्सप्रेस करने में भी व्यक्ति को इवन वो चीज ना हुई हो उसके पहले ही वो एक्सप्रेशन बाहर निकल के आता है. साइकोलॉजिकली मैं इस तरह से सोच रहा हूँ, मतलब वो इमोशंस इफेक्ट हो जाते हैं, मासूमियत इफेक्ट हो जाती है बचपन की. जी, क्योंकि आप वो व्यक्ति को रोमांटिकली भी देख सकते हैं ना, फिर वो अलाउड ही है. तो आप भले ही उन्हें भाई या बहन कहें पर वो भाई बहन का रिलेशनशिप ये जो अलाउिंग है रिलीजियस सैंक्शन मिला है इसके इसके अंतर्गत ही आएगा हमेशा. इसे वो जो रिलीजियस सैंक्शन है वो उसे सुपरसीड करेगा जो उनका फैमिलियल रिलेशनशिप है, भाई और बहन का रिलेशनशिप है. तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है इवन अमंग द फैमिली. अल्मोसो जी, इसका सलूशन आप भी बताएं, गायत्री जी, खान भाई आप भी. मैं ये समझता हूं कि अगर लड़के लड़की को कजन्स को पहले पूछ लिया जाए कि क्या आप इनसे शादी करवाना चाहते हैं, हाँ या ना, उनकी फ्री विल, तो दैट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बट सर बच्चे हैं, बच्चों से थोड़ी ना पूछा जा सकता है कि भाई आपसे आप आगे चल के शादी करेंगे. आई मीन दे आर स्मॉल किड्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स. बच्चों से पूछ रहे हैं गायत्री जी, जब वो 20-21 साल के हैं तब बिफोर मैरिज उनकी कंसेंट ओपिनियन. हाँ, वो बट सर जहां तक मैं जानती हूँ मुस्लिम कम्युनिटी में लड़की की विशेष तो वैल्यू रखती नहीं है. नहीं, हम वही कह रहे हैं ना कि अगर हमने इस अपनी स्ट्रीम्स को, इन सारी टॉक्स को इम्प्लीमेंट करना है. देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, हमारी एक वीकली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होती है यूके में, तो उसमें कहा जाता है टेक होम मैसेज कि आज के इस लेक्चर से क्या आपकी प्रैक्टिस चेंज होगी इन द क्लिनिक या इन द वार्ड या इन द ऑपरेशन थिएटर, क्या लर्न किया, व्हाट न्यू यू आर गोइंग टू डू. तो क्या हम इसको यूं रिजॉल्व करें कि लड़की लड़की कजन्स की कंसेंट ली जाए. अगर मैं उससे रिपल्स हूं, मेरी उन्होंने मंगनी की करने की कोशिश की तो मैंने बुरी तरह से रिटेलिएट किया कि नो आई डोंट वांट दैट, मेरे चाचा की बेटी थी. पर क्या चाचा की बेटी ने रिटेलिएट किया? नहीं, वो नहीं, उसने नहीं किया था, शी वाज ओके. सो वो बोल रही है, शी शी कांट से नो बिकॉज़ वहां पे तो द एंटायर फोकस कम्स ऑन द मेल पार्ट. एक्चुअली गायत्री जी, सारा काम पता कौन खराब करती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू एंड वुमेन एंड ऑल दैट, मुझे नहीं बाकी कंट्रीज का पता, हमारे पाकिस्तान में जो मदर है ना वो सबसे ज्यादा विशियस रोल अदा करती है. मैं तो जो ऑब्जर्व किया है ना, और हम ये देख रहे होते हैं कि जी माँ ने जो कहा वो उसमें कोई ना कोई भलाई होगी, वो 25 साल गुजर जाते हैं उस भलाई को ढूंढते ढूंढते. रिटायर्ड बच्चे जैसे खान भाई ने फरमाया और झगड़े लगा था. आपने ये पॉइंट पहले भी रेज किया था जी, मैं तो बड़ा काम करा हूं इससे. जी, मैं समझ सकती हूं आपकी दुख भरी कहानी. थैंक यू जी. खान भाई, आपके मदर का क्या रोल है शादी करवाने में? आई विल कम बैक टू द टॉपिक ऑफ बिकॉज़ खान, या खान सर विल इलैबोरेट. एंड खान सर, आप कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक जहां से हमने छोड़ा था, कि जब हम बात करते हैं कि फैमिली में इस टाइप के चेंजेस होते हैं, आप एक ग्रुप की तरह खेल रहे हैं, बच्चों की तरह खेल रहे हैं, और आगे चल के आपको सेक्सुअलिटी इंट्रोड्यूस की जाती है, रिएक्शन क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया कि ये डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी में आप ग्रोइंग अप हो रहे हो. मुझे आई थिंक हमारी सोसाइटी में लड़के लड़कियों को ये चीज नजर नहीं आ रही होती है. वो देख रहे होते हैं कि सबकी मामू, कजन, चाचा, इन सब में शादियां हो चुकी हुई होती है, तो उनके लिए इतना शॉक वेव नहीं होता कि बस शादी हो गई, अपनों में हो गई, या जो ये जो हम आपस में इतने एक ही घर में रह रहे हैं, ओके, इनकी इतनी क्लोज मैरिजेस कल परसों हो जाएगी, तो इनको बचपन से ही पता होता है. मोस्ट लाइकली कि जैसे लड़कियों को या लड़कों को, कि उनको पता होता है कि हमने अपने एरिया में ही शादी होने वाली है. तो ग्रोइंग अप, मुझे याद है एक दिन मेरे चचा भी आए थे, ओके, मेरी बहन का जो जिसकी मैं बात कर रहा था ना, अब नॉर्मल बच्चे हैं, वो चाहते थे कि उनकी बेटी से मेरी शादी हो जाए और हमारी बहन की उनके बेटे से शादी हो जाए.
जो कि मैंने तो अपनी तरफ से इनकार कर दिया। मेरा शायद उस जमाने में शादी का वो नहीं था कि नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी है, या मैं बहुत शर्माता था या पता नहीं जो भी रीजन थी, आई डोंट रिमेम्बर दैट, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है। तो मुझे याद है मेरे डैड ने मुझसे बोला था कि देखे अगर अभी आपने शादी नहीं की, ना कर रहे हो, फ्यूचर में मुझे फिर तंग नहीं करना कि मेरी शादी कराओ ये वो। मैंने कहा मैं डोंट वरी, मैं आपको तंग नहीं करूंगा फ्यूचर में। वही हुआ कि बाद में फ्यूचर में भी मैंने कभी डैड को नहीं बोला कि नहीं मेरी शादी कराओ, मैंने अपनी शादी खुद की है। तो अच्छा हुआ, वरना आज मेरे भी टेढ़े मेढ़े बच्चे होते मोस्ट लाइकली। टेढ़े मेढ़े तो बच्चों से याद आया सर, आपने कहा था मुझसे बातों बातों में, आपने बताया था कि जो कजिन मैरिजेस होती हैं जो आपकी कम्युनिटी में है, शायद आपस में ही मैरिजेस होती है, इसलिए बच्चों का जो IQ लेवल है वो बहुत कम है और उनका करियर परफॉर्मेंस इज वेरी पुअर। हाँ, ये भी रीजन हो सकता है क्योंकि बच्चे शायद नॉर्मल दिख रहे हो लेकिन वो पढ़ाई में टोटली कमजोर होते हैं। और अभी आफ्टर लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद मुझे तो ये लग रहा है कि हमारे कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो चाहते ही नहीं है कि हमारे बच्चे स्मार्ट समझदार पैदा होते रहे। वो मेरे ख्याल से वो चाहते ही है कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए जिसको बस हम जो बोले वो सवाल ना करे, वेरी गुड, वो बस करते जाए जिस तरह हम कर रहे होते हैं। तो शायद दिस कुड बी रीजन बिहाइंड इट। जी। अल्मोस्ट व्हाट्स योर कमेंट, आप कम्युनिटी में इस टाइप की जो चीजें देख रहे हैं, क्या लो IQ है या लो IQ से हट के आते हैं, अगर एग्रेशन, साइकोलॉजिकल इश्यूज, कंजर्वेटिज्म, क्या इनका रीजन हो सकता है क्योंकि आपस में ही शादी कर रहे हैं, फैमिली एनवायरमेंट इज काइंड ऑफ बीइंग कंटिन्यूड, जैसे आप एक ही घर में भाई बहन है तो एक फैमिली एनवायरमेंट एक हो गया, तो वो एक्सटेंशन हो गया, एक ही फैमिली का बढ़ता जा रहा है, तो क्या ये जो मेंटल इफेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, कैन कैन दिस बी अ रीजन फॉर कजन मैरिजेस और सेम ब्लड मैरिजेस? जी मैं अभी ज्यादा लोगों से कांटेक्ट में तो नहीं हूँ, रादर ऑलमोस्ट बहुत कम लोगों से ही कांटेक्ट में हूँ, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज मुझे इतने पता नहीं। अब जो मैंने जो साइकोलॉजिकल इश्यूज देखे, हो सकता है ये इस्लाम जो है ये एक तरह की एक ग्रोस मेंटेलिटी है, तो वह मे भी साथ में चलता है, तो हमें जो इफेक्ट आ रहे हैं हो सकता है ये भी उसका रीजन हो, एक तरह का इनब्रीडिंग। बट साइंटिफिकली हम बात करें तो यूके में ही हम देखते हैं कि 30% ऑफ यूके की जो जेनेटिकली डिजीज चिल्ड्रन है वो पाकिस्तानी फैमिली से आते हैं इनब्रीडिंग के कारण। तो इसके तीन मुझे इंस्टेंस याद आ रहे हैं कि तीन चीजें बताते हैं डॉक्टर अरमानी और डॉक्टर खान और गायत्री जी, आप भी बता सकते हैं कि क्या वो रीजन देते हैं ये उल्टी साइड से। एक तो वो साइंस भी डिनाई करते हैं क्योंकि वो कहते हैं अल्लाह को ज्यादा बेहतर मालूम है, तो अल्लाह के ऊपर तो कोई वर्ड हो नहीं सकता, तो इसलिए कजिन मैरिज। इवन मैं एग्जाम्पल्स देख रहा था कि कुछ लोग रोड एक्सीडेंट का एग्जाम्पल दे रहे थे कि रोड पे भी जाए तो एक्सीडेंट होते हैं, तो वैसा ही डिफॉर्मिटी का 1000 में से एक होता है, तो कोई उसमें कजिन मैरिज में प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह नोज बेटर। दूसरा वो ये कहते हैं कि क्योंकि आप इस तरह के व्यक्ति को ढूंढना अपनी लाइफ निकालने के लिए कि जो आपसे कंपैटिबल हो बहुत डिफिकल्ट है, तो वह व्यक्ति अगर आपके कजिन्स में ही मिल जाए जिन्हें आप बचपन से जानते हो, जो चीज हम अपोज कर रहे हैं वही चीज वो सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए कि आप ये जो फ्लूइडिटी ऑफ रिलेशनशिप है, फेमिलियरिटी को आप रोमांटिसिज्म से कंफ्यूज ना करें, सेक्सुअलिटी से ना करें, तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं अच्छा है कि आप जिसे जानते हैं उससे ही आप शादी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, तो ये सब जस्टिफिकेशन देते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा होता है वो कहते हैं कि सोशल कंपैटिबिलिटी, काफू कहते हैं शायद, काफू या कूफा ऐसा कुछ कहते हैं, कि अगर मिल्कमैन की लड़की ने मिल्क बिजनेसमैन की लड़की ने मिल्कमैन के लड़के से शादी कर ली, तो मिल्कमैन उसको बिजनेसमैन की लड़की को कहेगा कि भाई आप मिल्क से एसोसिएटेड कुछ एक्टिविटी करो, तो उसे तो आएगी नहीं। तो कजिन मैरिज करने से ये कंपैटिबिलिटी आ जाती है क्योंकि आप एक ही फैमिली के हैं। और तीसरा फाइनली वो कहते हैं कि जो सास और बहू में जो झगड़े होते हैं मेनली, कजिन मैरिज करने से वो झगड़े नहीं होंगे, या फिर जो हस्बैंड और मदर इन लॉ में होते होंगे जिस तरह के भी, जितना आप क्लोज फैमिली में कर रहे हैं उतना ही अच्छा है क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं, ज्यादा फेमिलियरिटी है। तो इस तरह के रीजन दिए जाते हैं, तो
आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी, इस पे आई वांट डॉक्टर अरमानी टू कमेंट प्लीज। सर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है जब आपने कजन मैरिज के लिए मना कर दिया था, तो कितनी कंपैटिबिलिटी और क्या इशू हुए थे? नहीं, मैंने तो मना किया था कि मुझे वो अपनी कोई कजन इतनी अच्छी नहीं लगती थी, गो के वो वैसे ठीक थी, लेकिन ये जो अल्मोसो जी ने बताई है ना एडवांटेजेस, वो अपनी जगह है कि आप फैमिली को जानते हैं और उनके रिलेशनशिप से आपके इंटरनल प्रॉब्लम ज़रा कम होंगे, यू नो ईच अदर। और बाज़ औक़ात लोगों को ये भी होता है कि जी हमारी फैमिली में एक स्पेशल ग्रेस है, हम गोरे चिट्टे लंबे हैं, वो हमारी फैमिली में कॉन्टिन्यू होगा, लैंग्वेज का भी होता है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इक्वेशन का कि बच्चे के साथ क्या बननी है लो आईक्यू के, वो पार्ट वो कैलकुलेट नहीं करते। देखे ना, एडवांटेजेस हैं तो वो कजन मैरिज कर रहे हैं। एक और मसला क्या है कि पाकिस्तान में जो मैंने नोट किया है, जो लड़का होता है वो सारी जिंदगी अपने इधर उधर सेक्सुअल लिबर्टी में मुंह मारता फिरता है, और एंड पे उसको पता होता है हाँ यार ये मेरी कजन है, ये वर्जिन है, इसको मैंने देखा है, ये ठीक है, ये बस मेरे लिए शादी के लिए ठीक रहेगी। तो एक फैक्टर कजन मैरिज का ये भी है, घर की लड़की है जी, फिर कहते हैं जी घर का लड़का है, देखा भाला है जी। तो बहरहाल ये जो भी इनके जिस वजह से ये प्रायोरिटी में लेके आते हैं उन चीजों को कैलकुलेशन में, लेकिन जो लो आईक्यू का फैक्टर है, भले कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज ना हो, हमने लास्ट टाइम कहा था कि टोटल 3% बच्चे तो वैसे एबनॉर्मल पैदा हो रहे हैं पूरी दुनिया में विदाउट कजन मैरिज। हाँ, जब कजन मैरिज करेंगे तो ये इंसिडेंस 2-3 times इंक्रीज कर जाता है। हमारे यूके में एक लेडी डॉक्टर जिसने अपने सारे कैरियर में टॉप किया, डिस्टिंक्शंस ली, यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, अब डबल कजन से शादी होगी, वो शायद खाला का भी बेटा था और चचा का भी, पहला ही उसका बेटा पैदा हुआ कि जो मेंटल रिटार्ड है, जो खान भाई ने कहा वो भी दीवारों में टकरे मारता है, पता नहीं क्या मसला है उसको, तो वो डिजास्टर होगी कि नहीं होगी? डॉक्टर अंजुम ने लास्ट टाइम कहा था कि आजकल जो एक नॉर्मल हेल्दी बच्चा है जिंदगी में स्टेबल होने के लिए उसको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो जो ये डिपेंडेंट पैरासाइट है इसका क्या करेंगे? अब कहां कहा जाए इनको, ये सारे रोल अदा करती है अम्मा हजूर हमारी। ये मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊं, और जब वो अपनी मामता का वास्ता देती है ना, या मामता को डालती है बीच में, तो सारा वो इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है। मैंने तो देखा है डिजास्टर सारी वालदा माजदा ही कर रही है। खान भाई, आप क्या कहते हैं निर्मल मोसो जी? जी, मैं यहाँ पे ये पॉइंट रेस करूँगा कि जो मॉम पे सारी जिम्मेदारी आ जाती है ना, कि मॉम, क्योंकि वो उस वो मोस्ट ऑफ हर लाइफ वो अलाउड नहीं होती है कि अपने खानदान से दूसरे किसी जगह पर जाकर किसी घरों में जाकर दोस्ती शुरू करे। अगर वो अलाउड होती तो अपने बेटे या बच्चे बेटी के लिए दूर के रिश्ते पसंद हो सकते हैं, यू नो, तो उनको ज्यादा सर्कल नहीं दिया जाता। फिर जाके हम उनको भी ब्लेम कर देते हैं कि ये मम्मी की वजह से, और फिर उनके इनके साथ अपने अपने खानदान के अंदर ही रिश्ता देखना पड़ता है। तो आई थिंक दिस सर एक पॉइंट में और यहाँ पे, जैसे कि आपने कहा अल्मोसो जी और खान सर, मैं चाहती हूँ आप और अरमानी सर, मैं चाहती हूँ आप इस पे इलैबोरेट करें। आपने कहा एक फेमिलियरिटी रहती है एनवायरनमेंट की, इसलिए पसंद करते हैं कि आपस में शादी कर लें, पर एट द सेम टाइम रिस्क तो ये भी रहता है ना कि अगर दोनों ने शादी कर ली, सब कुछ ठीक चला तो वेरी गुड, जिसके चांसेस इज 50-50। शादी नहीं हुई, टूट गई तो नहीं हुई, तो एक ग्लिच इज ऑलवेज देयर इन द रिलेशनशिप, और टूट गई तो वो जनरेशन तक जाएगी, ये वाला रिस्क भी तो रहता है जी। तो मैं मेरे ही सवाल का जो डॉक्टर अरमानी ने भी कहा, आपने भी खान सर ने कहा, उसका ही मैं जवाब देना चाहता हूँ ये पॉइंट्स का भी। और आपने जो कहा वो भी इम्पोर्टेंट है कि फिर अगर हम एक ये कंटिंजेंट फैक्टर लेते हैं कि अगर ये चीजें नहीं चल पाई तो उसका नेगेटिव इफेक्ट कितना है कि फैमिली के अंदर ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा और जो डिस्कम्फर्ट आ जाएगा दो लोगों में, जिस तरह से वो एक दूसरे को पहले देख रहे थे फिर उन्होंने चेंज किया, अब वापस से उन्हें वही सिचुएशन पे आना है, वो बहुत ही डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप में। और दूसरी बात, अगर हम फेमिलियरिटी की बात करें, साइंटिफिकली तो डॉक्टर अरमानी कंफर्म कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है ही, इनब्रीडिंग प्रॉब्लम है ही। अगर हम साइकोलॉजिकली सोशली उसको देखें तो हम
लाइफ में जब जो चेंजेस होते हैं, डिफरेंस होते हैं हमसे, उससे ही हम लाइफ में और फुलफिल्ड महसूस करते हैं ना। अगर आप जहां पे हैं आप वहीं पे रहे और वही कंडीशन, वही कंफर्ट जोन में घूमते रहे और वही लोगों से ही जुड़े रहे हमेशा, तो फिर आप बाहर के लोगों को और ज्यादा जानेंगे कैसा? आप अपने आप को ग्रो कैसा हो गया? अपने आप को ग्रो कैसा करेंगे आप? आप कुछ डिफरेंसेस देख ही नहीं रहे। आप जो खाना खा रहे हैं वही दाल चावल वही खाते रहिए पूरे जीवन, और सबको ये कहिए नहीं ये खा सकते हैं। और अगर फेमिलियरिटी की बात है तो फिर फर्स्ट कजिन से पीछे आने में क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्ट फैमिली तो और ज्यादा फेमिलियर है। अल्लाह ने नहीं कहा तो नहीं कर रहे। जी, एक पॉइंट जो मुझे पता चला है, नॉट श्योर कितना गलत है कितना सही है, क्योंकि आप सभी उस आसमानी धर्म से रिलेटेड हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप बोले। कहा जाता है कि एक माँ मतलब एक ही माँ से दूध नहीं पिया होना चाहिए तो किसी की भी शादी हो सकती है, तो इसका मतलब स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर की भी शादी हो सकती है, ऐसा भी है क्या? अरमानी सर और खान सर अल्मोसो दे कैन डू। मैं यहाँ पर एक बात ऐड करता हूँ इससे पहले मैं भूल जाऊं। मैंने सुना है कि स्टेप ब्रदर्स तो आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन मैंने सुना है कि यमन में या ईरान में ऐसे ऐसे भी होता है कि बच्ची को अडॉप्ट किया जाता है, फिर वो बच्ची जब 13 साल की हो जाती है तो बोलते हैं कि ये तो मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, फिर उसी बच्ची से वो शादी कर लेता है। नहीं खान भाई, क्वेश्चन है कि एक बंदे ने 4 शादियां की, अब उसके जो बच्चे हैं वो हाफ ब्रदर सिस्टर्स हैं ना, हाफ बाप सेम है, माँ सब की फर्क है, तो ऐसे नहीं, वो तो हमने रिपोर्टेड है। हाँ, नहीं वो तो हमने नहीं सुना कि वो आपस में शादियां करें, नहीं वो तो लीगलाइज्ड या उस पे कोई वो नहीं है। लेकिन गायत्री जी का ये क्वेश्चन है जो कि मेरा भी क्वेश्चन है कि अगर उनके दरमियान कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है तो क्या वो, मैं खैर ऑब्जेक्ट तो करते होंगे उसको लीगलाइज तो नहीं किया होगा इन्होंने कि मतलब हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर हैं, स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर्स हैं, तो दे कैन आल्सो मैरी, ये मैंने सुना है दैट मतलब यू नो दे शुड नॉट बी फ्रॉम द सेम वूम, मतलब एक ही औरत के जने हुए बच्चे नहीं होने चाहिए तो वो शादी कर सकते हैं, बेशक बाप सेम हो या माँ सेम हो। हाँ तो अब हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी में आदम अम्मा हवा से हमारी नस्ल शुरू हुई है, इंडियंस तो वहां से नहीं आए, हम तो वहीं से आए हैं ना, तो वो तो हाबील और काबील जो बेटे थे उनके, उनके पास तो या तो उनकी मॉम थी ह्यूमन रेस को चलाने के लिए या उनकी कोई सिस्टर होगी, तो वो इन फैमिली ही ब्रीडिंग हुई ना, इसका किसी मौलवी के पास कोई जवाब नहीं है। क्यों खान भाई क्या कहते हैं, आप भी मुसलमान हैं? जी मैं इस बारे में मैंने क्वेश्चन करना ही बंद कर दिया है क्योंकि मुझे ये लोग सीधा आंसर नहीं देते कि हम एक ऐसे खुदा पे बिलीव करते हैं जो मजबूर था कि यार आदम, हजरत आदम इज द फर्स्ट मैन, और उनके बच्चों को बोलता है कि आपस में ही शादियां करो। हम एक ऐसे खुदा को मानते हैं पे बिलीव करते हैं कि वो नहीं कर सकता था कि आदम की तरह 100 और आदम बना लेता। ओके, तो उनके लिए ऐसे बच्चे हेल्दी बच्चे पैदा होते हैं, तो फर्स्ट ह्यूमन की स्टोरी जहां से शुरू होती है वो तो अब नॉर्मल आपस में ही बहन भाई आपस में गलत शुरू होती है। जी वहीं से ही गलती शुरू हो चुकी है। उस पे हमारे हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हमारी बेइज्जती होती है। ओके, हमें बहुत बुरा समझा जाता है जो कि बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। जब हम ऐसे खुदा पे यकीन ही क्यों करते हैं कि जो मजबूर है दूसरा आदम की तरह दूसरे को नहीं बना सका। जी सर आप बहुत इमोशनल हो गए, आई कैन अंडरस्टैंड। अल्मोसो जी तभी छोड़ छाड़ के आ गए टाटा बाय बाय करके कि मैं अब इस धर्म को और झेल नहीं सकता। व्हाट्स योर कमेंट अल्मोसो जी? जी आपका क्वेश्चन का मैं सोच रहा हूँ क्योंकि ये सब किससे शादी कर सकते हैं मेल और फीमेल, ये क्लियरली दिया है। अगर मैं वो बताऊं मेरे सामने लिखा है कि बॉय कांट मैरी हिज मदर सिस्टर नीज ग्रैंड मदर आंट daughter, granddaughter, mother-in-law, daughter-in-law, stepmother, stepdaughter, stepsister, foster mother, foster sister, foster aunt and foster niece. This is not in Islam, क्योंकि इस्लाम की
जो एक मेरे सामने है सूरा अल हजब 30:50, उसके हिसाब से मतलब यू नो यू कैन मैरी विद इन योर फैमिली, इंसेस्ट इज अलाउड। जी ये सब डायरेक्ट है ना, फर्स्ट कजिन नहीं है, देखिए ना वही तो, इसमें अलाउड है फर्स्ट कजिन, इसमें आ नहीं रहा है। तो आप जो हाफ की बात कर रहे हैं, तो हाफ अगर ये कंडीशन के अंतर्गत नहीं आया तो फिर डिपेंड करता है कि इंटरप्रिटेशन किस तरह का देंगे जिनको भी वो मानते हैं, पर ये हाफ वाली कंडीशन मुझे लग रहा है इसमें कवर नहीं हो रही है। ऐसा ही लेडीज के लिए भी सेम बताया, तो इसलिए अडॉप्शन भी अलाउड नहीं, जिस तरह खान सर ने कहा कि अडॉप्ट करते हैं, पर वो मुझे नहीं पता कि लीगल अडॉप्शन है कि किस तरह का है, पर क्योंकि वो प्रॉफिट के साथ वो इंस्टेंस हुआ था कि उन्होंने अपने अडॉप्टेड सन की वाइफ से ही शादी किया था, आफ्टर अडॉप्टेड सन हैड टू डाइवोर्स हर और फिर उन्होंने उससे शादी किया, तो उसके बाद अडॉप्शन, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉस्टर से नहीं कर सकते, तो फिर आप लीजिए ही मत एक तरह से, तो इसका मतलब कभी आपका कुछ दिल करे करने का तो आपको प्रॉब्लम ना खड़ा हो, तो आपको वो फॉस्टर छोड़ना पड़ेगा। गायत्री जी यहाँ जो इंटरेस्टिंग बात है कि इंडियन कल्चर में कजन मैरिजेस इन्होंने इतने 100,000 साल पहले कैसे बैन कर दी, उसको सिस्टर बना दिया, दिस इज इंटरेस्टिंग। एंड मैं ये समझता हूँ कि कभी ये सिविलाइजेशन ने साइंटिफिकली बड़ी तरक्की की थी, मुझे ये चीजें बड़ी फैसिनेट करती हैं। और वेजिटेरियन कैसे हो गए, क्या पूरी दुनिया गोश्त छोड़ रही है और इंडियन में इसको पहले से बैन किया हुआ है? It's very interesting. Armani sir, this is a very different topic. I won't take up right now. Vegetarian and वो वाला, उसका बहुत interesting है, but because you mentioned शादी के बारे में, see हम लोगों के यहाँ क्या है, मेरी किसी से बात हो रही थी, आपने ये बताया था, डॉक्टर साजिद जो पाकिस्तान से हैं, वो बता रहे थे हमारे यहाँ तो कॉमन है, हम तो जानते हैं कि हमें इनमें से किसी एक के साथ शादी करनी है, तो हमारा देखने का नजरिया ही अलग होता है शुरुआत से ही, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि हम जब खेल रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे भाई बहन है, ठीक है, हमारा सेपरेशन ऑफ एनवायरनमेंट है, मुझे पता है कि जब मेरी शादी होगी बीइंग अ गर्ल में एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाऊंगी, एक डिफरेंट फैमिली में जाऊंगी और वहां मुझे यू नो अलग एक एनवायरनमेंट मिलेगा, और यहाँ मेरा एनवायरनमेंट अलग है, मेरी फैमिली है, जब मेरे को वहां कुछ प्रॉब्लम होगी आई विल ऑलवेज यू नो मैं आवाज लगाऊंगी तो ये फैमिली मेरी खड़ी है मेरे साथ, तो एक वो सेपरेशन ऑफ एनवायरनमेंट बहुत तरीके से कम्फर्टिंग भी होता है। मुझे ससुराल में कुछ प्रॉब्लम हुई, मेरा मायका पूरा खड़ा है, जिसमें मेरे कजन ब्रदर्स तक की लाइन लगी हुई है, यू नो फर्स्ट कजन सेकंड कजन तक खड़े हुए। और जब ये डॉक्टर सजाद ने मुझे बताया कि भाई उनके यहाँ क्या होता है कि बचपन से पता है कि हमें इनमें से किसी एक के साथ हमारी शादी होगी, तो एक वो अलग से ही एनवायरमेंट होता है मेंटली कि हम इनमें से किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं, तो वो एक इनोसेंस भी नहीं रहती है। जब हम उन्होंने खुद कहा कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं हम अपनी यू नो अपनी कजन सिस्टर्स को देखते हैं उस अनगाह से भी देखते हैं, क्योंकि हमें पता है इनमें से कोई हमें पसंद आ जाए तो हम शादी कर सकते हैं, तो मतलब वो मासूमियत भी चली गई ना आपकी, यहाँ तो हमने अलग कर दिया एनवायरमेंट, हमने एकदम चीजों को अलग कर दिया, तो हमारी क्या मासूमियत है, ये मेरा भाई है, कल मुझे दुख सुख होगा ये मेरे साथ खड़ा होगा, सेक्सुअलिटी का एस्पेक्ट ही नहीं है, वो एंगल ही नहीं है दिमाग में। जब मैं किसी को देखूंगी जिसके लिए मेरे मन में फीलिंग्स हैं या उनके यू नो बॉयज के मन में किसी लड़की के लिए फीलिंग है, वो अलग ही रोमांस है, वो अलग फीलिंग है, अलग वर्ल्ड है। सो आई डोंट नो आई मीन यू नो दिस इज एक इमोशनल चीजें बहुत मिसमैनेज हो जाती हैं, जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है, आपने मुझे बताया अपनी फैमिली के बारे में, अल्मोसो से मेरी अभी शॉर्ट नोटिस पे बात हुई और खान सर ने भी बहुत डिटेल में बताया, साजिद सर ने बताया कि एक इमोशनल मिक्सचर हो जाता है, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग 6-7 साल के बाद में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज डॉक्टर अरमानी शायद आपने बताई थी कि कपड़े भी चेंज कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि यू नो ये लड़की इनमें से किसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो एक कॉन्शियसनेस स्टार्टिंग से रहती है। डॉक्टर अरमानी आप क्या कहना चाहेंगे, आपने एक इंसिडेंट एक वाक्य मुझे बताया था कुछ ऐसा। कजन देखें आपस में, आप मुस्लिम उसकी बात कर रही है ना? जी 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 जी, कजन के साथ आई डोंट नो, जब बच्चे आपस में खेल रहे हैं उनकी जो फीलिंग्स रहती है आपस में, सेक्सुअलिटी का एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली आता है, वो इंडियन कल्चर में भी आता होगा, लेकिन एस जो ही वो फर्दर डेवलप कर रहे हैं, हमें कोई बचपन में ये नहीं कहा जाता कि तुम्हारी इससे मंगनी शादी होगी या, लेकिन आप थोड़ा सा उनके साथ डिसेंसिटाइज हो जाते हैं कि आप जब उनके साथ इकट्ठे खेल रहे हैं, जैसे मियां बीवी भी 2-4 साल के बाद बहन भाई बन जाते हैं, क्यों खान भाई? नो, क्योंकि डिसेंसिटाइज हो जाते हैं या 5 साल कर लें
आप डिसेंसिटाइज हो जाते हैं. नो डिसेंसिटाइज यू कांट से यू कांट मिक्स द फीलिंग्स. नो नहीं नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन एक पर्सन के साथ रह के मैंने एक इंग्लिश कोटेशन पढ़ी थी, कोटेशन तो नहीं, किसी ने स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि इफ यू एक्सीडेंटली टच अ वुमन एंड यू डोंट फील एनीथिंग देन शी मस्ट बी योर वाइफ. तो ये एक साइकोलॉजिकल डिसेंसिटाइजेशन की बात कर रहा है. आई डिसएग्री ऑन दैट पार्ट एंड दैट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक एक्चुअली. हां डिफरेंट टॉपिक है. हां दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. यू गेट यूज्ड टू बी सेंसिटाइज्ड एंड यूज्ड टू इज अ टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. जी आपको आदत हो जाती है और आप डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, दोनों में बहुत फर्क है. गायत्री जी एक और एस्पेक्ट हमें देखना चाहिए इसका कि जो मेल डोमिनेशन है जी. वो कैसा वर्क करता है ये डायनेमिक्स में, क्योंकि दो हम ये भी कह रहे हैं कि विमेन के भी कुछ चीजें बताइए किससे मैरी कर सकते हैं, पर जब मेल, क्योंकि मेल की एक अथॉरिटी होती है ना इस्लाम में, तो वह किस तरह से देखता है, एक जो ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है और जो फ्लूइडिटी ऑफ रिलेशनशिप है, जो इवन उसका नेचुरल कोर्स ना लेके पहले ही वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है लेटर. तो इवन व्हेन यू कॉल समबडी ब्रदर और सिस्टर, इवन देन यू नो दैट समवेयर यू नो दिस मे नॉट होल्ड एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम. और मेल के लिए स्पेसिफिकली ये एक तरह का ऑब्जेक्टिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि आप रिलेशनशिप क्या क्या चीज के लिए बना रहे हैं, विमेन का क्या रोल है इस्लाम में, यह भी तो है ना. तो आप विमेन को किस तरह से देख रहे हैं, फिर जस्ट एक फर्स्ट आप कजिन तक जाइए और फिर वहां से वो ऑब्जेक्टिफिकेशन शुरू है. इवन आपकी वाइफ का भी कितना कितना रूलिंग है आपके घर में, मेल का डोमिनेशन है, और यूजिंग के लिए फिर आप फर्स्ट एक घर छोड़िए और फिर आप कुछ भी कर सकते. नहीं बट यहाँ तो एक घर छोड़ने के यहाँ पे तो फर्स्ट कजिन्स में शादी होती है. बट यू हैव अ वैलिड पॉइंट कि वहाँ पे डेफिनेटली मेल डोमिनेशन को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि मेल का से होता है. और दूसरा ऑब्जेक्टिफिकेशन, यस कि यू कैन हैव एनीबडी यू वांट अराउंड एक्सेप्ट योर ओन यू नो ब्लड सिस्टर और यू नो मदर एंड ऑल, तो आप किसी को भी ले सकते हैं. एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें कि पार्ट हमने जो मिस किया था सर, आप वो गाना बताना भूल गए, मामू तुम्हें अपनी बेटी मुझे देनी है. जी जी वो मैं अब कैसे प्रमोट किया जाता है आप लोग पश्तो में उसको बोलते हैं लूर बदे राखे मामा, मामू तुमने मुझको अपनी बेटी देनी है. ये एक पश्तो में सॉन्ग भी बना हुआ है. ओके तो बहुत ही आगुट से एक ऐसे मुआशरे से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ इन लोगों को नहीं पता कि ये इससे हम फ्यूचर जनरेशन्स को बर्बाद करते हैं, और इन लोगों को ये भी फ्यूचर में नहीं होता. जिस तरह मेरे डैड को और मेरे चचा को आज तक मेरे ख्याल से एक दफ़ा भी उन्होंने अपने साथ शीशे में देखकर नहीं सोचा होगा कि ये हमने क्या कर दिया, ये एक बच्चा दुनिया में हमारी वजह से आया होगा और सारी जिंदगी मेरी सिस्टर ने उस बेचारे बच्चे को केयर किया. बहुत मुश्किल होता है इस तरह बच्चे का केयर करना. फिर अब वो बच्चा बड़ा होकर 20-25 साल की उम्र में अभी वो माँ को बोलता है कि मुझे शादी, मुझे भी शादी करनी है, मुझे भी खूबसूरत बीवी लेकर आ जाओ. तो इन चाचा को मेरे डैड को अगर एक दफा भी शीशे में देखकर इनको ख्याल आ जाए कि ये हमने बुरा किया, तो फ्यूचर जनरेशन की बहुत सारी नस्लें बर्बाद होने से बच जाएगी और फ्यूचर में ये ऐसे काम फिर नहीं करेंगे, इतनी क्लोज शादियां नहीं करेंगे. लेकिन फिर भी अभी मैंने आपको पहले भी मेंशन किया, एक साल या डेढ़ साल पहले हमारे घर में इतनी क्लोज मैरिज हुई कि मेरे बड़े भाई की बेटी थी जो कि मेरी फेवरेट हुआ करती थी, मतलब इतने बच्ची थी, मुझे इतना उससे प्यार था. मैंने उससे पूछा भी कि ये बहुत ही क्लोज, तुम्हारा बहुत क्लोज है, इससे शादी नहीं करो. उन्हें नहीं, माँ बाप ने पसंद किया है तो मैं क्या करूं. एंड मैं समझ सकता हूँ उस बेचारी की अपने फैमिली से बाहर ना मोबाइल फोन हो सकता है, ना रिलेशनशिप का फ्यूचर में हो सकता है, दूर के रिश्ता आने के भी चांसेस कम होते हैं क्योंकि हमारे फैमिली अपने राउंड सर्कल ही होती है. तो उस बच्ची का अभी मेरे ख्याल से एक साल हुआ या शायद होने वाला हो और बच्चा नहीं हो रहा. तो रिसेंटली मैंने यही सुना, तो मैंने बोला
कि अच्छा हुआ, अच्छा है कि बच्चा नहीं हो रहा है. ओके, आई होप नॉर्मल बच्चा हो, अगर ना हो तो जिंदगी भर आपको एक नॉर्मल बच्चे को बड़ा करना कितना मुश्किल होता है, आप समझ सकते हो. आई हैव लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अल्मोसो सर और डॉक्टर अरमानी, दिस इज डायरेक्टेड टू यू बोथ. ये जो प्रथा चालू की गई कजन में मैरिजेस करने की, जिसको कुरान की आयत भी सपोर्ट करती है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, क्या ये इसलिए स्टार्ट किया गया कि लड़की जो है बच्चा पैदा करने की मशीन है और वो सिर्फ अपने घर में रह के या अपनी फैमिली के एनवायरमेंट में रह के सिर्फ उनके लिए बच्चा पैदा करें, क्या इस नजरिए से इसको रखा गया होगा? आप ले पहले. देखिए, अपनी लड़की को किसी सेकंड थर्ड फैमिली में देना ना, ये थोड़ा सा मायूब समझते हैं. ये भी एक एलिमेंट है उसका कि जी वो घर में ही रहे. एक और एलिमेंट ये होता है कि बाज को लड़कियों को बाहर से रिश्ते आते ही नहीं है, एंड दे हैव टू कंज्यूम देम इन द फैमिली. और बल्कि डिमांड की जाती है कि जी अपनी बेटी दो, मेरी बेटी लो. मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जितनी बैकवर्ड सोसाइटीज हैं और पुअर कम्युनिटीज जो हैं, उनके अंदर ये एलिमेंट पाया जाता है. जो लोग एजुकेटेड हैं और जो रिच हैं और स्पेशली जिन्होंने फॉरेन वर्ल्ड ट्रेवल की है, तो वो अक्रॉस द अपनी रेस से भी जाके तो एडवेंचर कर सकते हैं. लास्ट टाइम हमारी इस पर टॉक हुई थी कि देखें, अब अमेरिका में ब्लैक, वाइट, एशियंस और ये सारे जीन्स मिक्स हो रहे हैं और नई ब्रीड्स आ रही हैं. अभी जो एक ओलंपिक विन किया है लड़की ने, वो मल्टी रेशियल है. लेकिन ये किसका काम है कि जो एजुकेटेड हैं, रिच हैं, वेल ऑफ लोग हैं, पुअर फैमिलीज में वो उन्होंने बैकवर्ड गियर ही लगाना है और उनको फिर उसके लिए कन्विंसिंग फैक्टर्स मिलते रहते हैं, भले फिर वो जो भी हो. जी और मोसो जी. जी, तो अगर हम जो डायनामिक्स देखें मेल और फीमेल का इस्लाम के अनुसार, तो मेन प्रोटेक्टर है वेमेन के, उनसे ऊपर है ना कोई भी एक्टिविटी में भी, या मे बी इंटेलिजेंस में भी. अगर कुरान इंटेलिजेंस की बात करता है तो शरिया लॉ में भी हम देखते हैं कि उनकी टेस्टिमनी कम होती है. तो वह वही मैं पहले भी बता रहा था कि वह एक तरह की ऑब्जेक्ट है, वस्तुगत रूप से देखा जाता है महिलाओं को. इसलिए कपड़ा डालते हैं ना हम, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाते हैं तो उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं. प्रॉफिट ने जब अपनी कजिन से शादी की तो उसी समय ये वेलिंग ऑफ वुमेन का भी वर्स है, जब उन्होंने जैनब से उनका मैरिज हुआ और चार शादियां जब तक के चलती थी और बहुत से लोगों को प्रॉफिट ने डिवोर्स देने लगाया, पर प्रॉफिट ने ये जो फिफ्थ शादी करी है जैनब से ही करी, जब उन्होंने ये खुद ही ब्रेक कर दिया. तो ये जो डायनामिक्स है ये कुछ विचित्र तरह का एक डायनामिक्स है. और विमेन को एज अ ऑब्जेक्ट समझना, ये एलिमेंट मुझे लगता है एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायनामिक्स, क्योंकि विमेन का तो रोल इतना ज्यादा दिख नहीं रहा है कोई भी चीज में भी. लड़ने में भी विमेन का रोल नहीं है, तुम्हें सिर्फ घर रहना है. तो उसे उसे किस तरह से यूज किया जाए अच्छे से, अच्छे तरीके से. और फिर ये एक तरह का सोशल ऑर्डर भी दर्शाता है, जिस तरह डॉक्टर अरमानी ने कहा कि किस तरह आप अपने आप को सोशली समझते हैं और आसपास के लोग किस तरह देखते हैं, रिसोर्सेज आपके पास किस तरह के हैं, तो वो सब इसमें हमें समझ में आता है. ये जो कजिन मैरिज पे चले जाना और फिर वही प्रॉब्लम आती है, एक स्टेप पहले भी आ सकते हैं आपके, उससे आपको क्या रोकता है. जी सर, अरमानी सर, आई रिमेम्बर, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैं एडिट कर दूंगी बाद में, लो आई क्यू पे आपने मुझे पहले भी दो चार पॉइंट्स बताए थे जो अभी आपने मिस कर दिए, जैसे लो आई क्यू एंड करियर परफॉर्मेंस. जी देखें, उस पर कोई ऑथराइज किस्म का डाटा या स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं. अगर आपने साइंटिफिक स्टडी अगर हमने करें तो मेरा ख्याल इंडिया पाकिस्तान कंडक्ट कर सकते हैं कि आप क्लासरूम में जाएं, 100 बच्चे हैं, उनमें से जो टॉप 10 हैं उनसे पूछें कज़न मैरिज है इनके माँ बाप की, और बड़ी सिंपल सी स्टडी होगी और उसके फिर परफॉर्मा में एंट्री हो जाती. लेकिन ऑब्जर्वेशनल जो है वो यही कह रही है कि कजन मैरिजेस के बच्चे स्कूल में अच्छा स्कोर नहीं लेते, अच्छा परफॉर्म नहीं करते, एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद इट.
और जो डिस्टेंट मैरिजेज हैं इनके बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमें एक क्लियर कट डिफरेंस नजर आता है, बट आई एम स्टिल लुकिंग फॉर एनी प्रॉपर स्टडी ऑन इट, कि किसी ने इसकी कोई स्टैटिस्टिकल स्टडी की हो। एक ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो स्पेशली पाकिस्तान वगैरह में अगर आप देखो तो इनवर्ड लुकिंग सोसाइटीज हैं, एंड देयर मस्ट बी सम रीजन दैट देयर परफॉर्मिंग सो बैड ऑन ऑलमोस्ट एवरी डैम पैरामीटर, ऑलमोस्ट ऑन एवरी डैम पैरामीटर। जी देखिए, मैं तो गायत्री जी ये समझता हूँ, खान भाई भी सुन रहे हैं, अलमोसोब जी भी और ऑडियंस भी सुनेंगे, आप अपना बच्चा खुद डिजाइन कर सकते हैं, उसकी हाइट सर आप तो पीछे ही पड़ गए हो, नहीं नहीं आप तो बे आपके बस चले तो आप तो आप सीरियसली डिजाइन कर लो जी। यस, देखिए हमें पावर है इस चीज की ना, मेरे अंदर जो क्वालिटीज हैं किसी भी किस्म की, अगर मैंने मेंटेन करना है तो मुझे उस तरह का पार्टनर चाहिए, और जो मेरी वीकनेस है जहां पे मैं समझता हूँ कि ये जगह पे मैं वीक हूं, तो फिर मैं वो क्वालिटीज अपनी अपने पार्टनर में देखूं, सो दैट इज लाइकली टू इम्प्रूव योर नेक्स्ट जनरेशन। तो अब ऑब्वियसली अगर मैं ब्रिटिश लेडी से शादी करता हूं और अपना रिप्रोड्यूस करता हूं, या तो खैर बगैर शादी के भी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आई नो कि मेरे बच्चे में क्या फीचर्स होंगे। अगर मैं ब्लैक अफ्रीकन से अब करता हूँ मिक्स अपना ब्लड, तो आई नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ये तो एक बड़ी ऑब्वियस बात है ना कि आपके बच्चे किस तरह के होंगे। यही मेरा पॉइंट है कि फॉर गॉड सेक, जितने लोग भी ऑडियंस सुन रहे हैं, कि आप अपने रोमांस, लव, सेक्स ये अपने तक महदूद रखें, आपकी जो भी फैंटेसीज हैं, जब आपने नेक्स्ट अपना बच्चा पैदा करना है, नई नस्ल किसी लाइफ को आपने एग्जिस्टेंस में लेके आना है, तो प्लीज आप सारे फैक्टर्स जो है इक्वेशन में डालें, उस बच्चे की हाइट, उस बच्चे के फेशियल फीचर्स, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और बॉडी अपना डिजीज रेसिस्टेंस एज वेल। ये आप ही ने पॉइंट रेज किया था कि अगर डायबिटिक्स जो फैमिली में शादी करेंगे आप अपने, तो बच्चों को तो अर्ली एज में डायबिटीज होनी शुरू हो जाएगी। डेफिनेटली मदर, क्योंकि मैंने अभी इस पे ज्यादा से काम नहीं किया, मैं खुद, मेरी जेनेटिक हिस्ट्री है डायबिटीज की, सो यू नो नाउडेज आई एम लुकिंग फॉर रीजंस कि कैसे पास ऑन होता है, so I don't want it to be passed on to my grandchildren maybe, so obviously when my son is getting married I'll keep that in mind. Sir, I think it, I've taken more time and thank you so much, aap to add ho gaye, mujhe lag nahi raha tha aap aane wale hain, and almost sir thank you so much you came on such a short notice, it was a very candid talk, main isme se bahut sara editing karungi and I'll add the spicy part together and then uske baad main telecast karungi, pichle ek video humne kiya tha wahan se bhi shayad main kuch ek portion utha dungi. So, thank you so much for coming and we'll continue this topic again because it's not over as yet. So, thank you Almoso. Thank you Khan sir. Thank you Armani sir. Thank you. Thank you. Dr. Armani, aapka agar contact